अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा, एक लड़का सही हो गया, ठीक है, उसकी वेरिकोसिल ठीक हो गई है। तो देखते हैं उनसे की कन्वर्सेशन, आज देखते हैं। तो इस लड़के का नंबर मेरे पास सेव नहीं था, जिस वजह से मैंने इसे अभी सेव कर लिया है, क्योंकि सेव नहीं किया था तो पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका नंबर जो है वो लीक हो गया था, तो लोग फिर उसे मैसेजेस करने लग गए थे। तो इस वजह से नंबर मैं उसे प्राइवेसी रखता हूँ इस चीज़ की, तो इस वजह से नंबर मैं सेव कर देता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि फेक कन्वर्सेशन या ऐसा कुछ, तो ये फेक व्हाट्सएप में ये चीज़ें आती नहीं है जो इसमें, ठीक है। आपको पता है यार, मैं फेक काम करता ही नहीं हूँ, ठीक है, जितने पुराने लोग हैं वो ये जानते हैं। तो बाकी बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है, 20 मिनट की वीडियो थी तकरीबन। तो उसमें ये हुआ कि माइक्रोफोन ही नहीं आता, वो पूरी वीडियो मैंने बनाई, जब प्ले की तो वो सिर्फ वीडियो थी, वो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने हर चीज़ चेक करके प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 नवंबर 2019 को इन भाई ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, ठीक है। तो मतलब इन्होंने नंबर सेव किया है और मेरा नंबर सेव किया है, तो इस वजह से मुझे ये मैसेज आ गया, मैसेज एंड कॉल्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, के मतलब व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के अलावा जितने दूसरे लोग हैं कोई आपकी कॉल या मैसेजेस नहीं सुन सकता, ठीक है। तो फिर इन्होंने अपना ये नंबर चेंज कर दिया था, तो ठीक है, जिस वजह से मुझे नोटिफिकेशन आई। तो इनका सेकंड नंबर भी जो है वो भी मैंने सेव कर लिया था कि वो यहाँ पे शो ना हो। तो 15 जनवरी 2020 को इन्होंने मुझे इनका पहला मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो आप। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी इतने मैसेजेस पड़े हुए, ठीक है, तो मैं किस किस को रिप्लाई करूँगा। 29 अक्टूबर को इन्होंने अपने व्हाट्सएप को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया। 22 नवंबर को इन्होंने मुझे एक मैसेज किया जिसमें ये इन्होंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजी है, ठीक है। तो देखते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो यहाँ पे अगर आप इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका नाम जो है वो प्राइवेट रखूँगा, नाम मैं इनका बिल्कुल शो नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं पूरी रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकूँगा। अब जिसके दिल में आता है कि ये फेक है तो वो यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकता है। भाई आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इतनी वीडियो देख ली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन फॉर द टेस्टिस शोड, ठीक है। तो बोथ टेस्टिस अपीयर इन द नॉर्मल टेस्टिस विद इन द स्कोटम, ठीक है। बोथ टेस्टिस जो है वो नॉर्मल है, बोथ टेस्टिस ह्यूमंगस, ठीक है, एको पैटर्न एंड नो फोकल लेशन आर सीन। तो ये टेस्टिस का डायमीटर इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्हें जो राइट जो है साइड पे वो सिस्ट है और लेफ्ट साइड पे भी इन्हें सिस्ट है, और दोनों साइड पे इन्हें माइल्ड हाइड्रोसील होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें इनकी आ गई हैं। आगे जो सबसे लास्ट वाला है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, उनकी वेरिकोसील जो है वो सही होगी, ठीक है। तो माइल्ड वेरिकोसील तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिस्ट थोड़ा प्रॉब्लम करती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप वेरिकोसील का ध्यान रखते हो, उतना ध्यान नहीं पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यार मैं कहता हूँ ये चीज़ें अगर है ना, हाइड्रोसील और सिस्ट, ये भूल जाओ, ये मतलब है ही नहीं, वेरिकोसील भी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है, बस अपना ख्याल रखो, ये सिंपल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेरिकोसील ठीक हो चुकी है, पर अभी हाइड्रोसील और सिस्ट की प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट इनलार्ज है थोड़ी सी। प्लीज़ आप बताएंगे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मैं करीब 1.5 ईयर से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 1.5 साल से ये भाई डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो इनकी वेरिकोसील ठीक हो गई है। अभी इन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी माइल्ड हाइड्रोसील है, माइल्ड समझते हो ना, बहुत मामूली सी हाइड्रोसील है, ठीक है। तो बाकी इन्हें सिस्ट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो इनकी सिस्ट क्रिएट कर रही है, हाइड्रोसील इतना तंग नहीं करती, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वॉइसमेल प्ले करता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि एक ही टाइम पे इन्हें रिप्लाई कैसे चला गया। असल में मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो अचानक से इनके मैसेज की नोटिफिकेशन आई, तो मैंने कहा इन भाई को मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। उस वक्त मैं एबटाबाद में था, तो अभी मैं जॉब में हूँ, जिस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता। चलो वॉइसमेल प्ले करते हैं, तो तब मैंने इन्हें रिप्लाई कर दिया था। कितने लोग ऐसे होते हैं कि मैं उनको उसी टाइम रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बस इनकी भी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। कितने लोगों की कन्वर्सेशन पड़ी है जिनको रिप्लाई करना बाकी है, पर कैसे करूँ, टाइम नहीं होता। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो ठीक है, मैं टाइम निकालूंगा, कोशिश करूंगा, फिर बनाऊंगा। चलो प्ले करते हैं। वालेकुम सलाम, और चलो यार बहुत खुशी हुई है कि आपकी वेरिकोसील ठीक होगी। बाकी ये है कि अभी लोगों के पहले ये मैसेज आते थे कि हेल्प करो वेरिकोसील ठीक करनी है, और अभी ये मैसेज आते हैं कि
कुछ दिन ठीक हो गई है, तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है, तो अभी मैंने आपको मैसेज देखा है तो मैंने कहा चलो रिप्लाई कर दूँ, फिर खुशी होती है यार। और मैं इस खुशी को समझ सकता हूँ कि जब बंदे को ब्रेक सील हो, ठीक हो जाए, तो फिर वो किस सिचुएशन से गुजरता है। और चलो अच्छी बात है, बस केयर करो अपनी, ठीक है, जिस तरह जिस चीज़ में आसानी होती है वो चीज़ करना, और हाइड्रोसील और सिस्ट की टेंशन ना लो। बस ये है कि सर्दी है ना, तो सर्दियों में ज़्यादा ठंडा पानी कोशिश करो अपने टेस्टिस पे ना डालो, ठीक है, जितना ज़्यादा ठंडा होगा तो वो नुकसान देगा, मतलब सिस्ट को ज़्यादा नुकसान देता है, ज़्यादा ठंडा करोगे तो, ठीक है, दर्द उससे बढ़ेगा। और इस तरह तो नीम गर्म हो या फिर नॉर्मल पानी आप यूज़ करो, क्योंकि सर्दियों में मुश्किल हो जाता है ना गर्म पानी मतलब मिल सके आसानी से, थोड़ा मुश्किल होता है, हर किसी को नहीं मिल पाता। तो बाकी ये है कि अब अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ये चीज़ें दोनों हाइड्रोसील और वेरिकोसील जो है ये खुद ही सही हो जाएगी, ठीक है, इसकी टेंशन ना, वेरिकोसील की जगह मैं सिस्ट कहना चाह रहा था, एक कॉन्स्टिपेशन ना होने दो, दूसरा ये कि ठंडा पानी ऊपर ना डालें हद से ज़्यादा। और जिस रिपोर्ट में आपकी वेरिकोसील है, ये क्या वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके पास है? अगर है तो वो भेज दें, मैं देख लूँ। तो मैंने इनसे कहा है कि जो रिपोर्ट आपने करवाई थी अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड आपने करवाया था, ठीक है, उसमें वेरिकोसील आई थी, तो आप काइंडली वो रिपोर्ट भी सेंड कर दें, ताकि मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो लोगों को यकीन ज़रा ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये भाई जो होते हैं वो सऊदी अरब में होते हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया मेरे भाई, आपसे बहुत हेल्प मिली है, लेकिन भाई अभी भी दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन बन रही है। मतलब इन्होंने एक जगह प्रॉब्लम बताई, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दिया कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, मतलब सलूशन कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम अभी भी दर्द है, कॉन्स्टिपेशन बन रही है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। दर्द तभी होता है जब कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो पेन नहीं होगा, वज़न नहीं उठाओगे, कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करोगे तो पेन नहीं होगा, ठीक है, पोस्चर अपना सही रखोगे तो पेन नहीं होगा, ठीक है, बन रही है। जब कंस्ट्रक्शन होती है, जब अच्छा कॉन्स्टिपेशन बोल रहे होंगे, कॉन्स्टिपेशन लिख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन होती है तो बहुत दर्द होता है। अब पता नहीं अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ये कोई वहाँ पे एम्प्लॉय सॉरी वहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है, वर्कर हैं, ठीक है, तो जिस वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मुझे लगता है ये कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं वाईफाई ऑफ कर लूँ, किसी की कॉल आ गई तो सारी जो है ना वीडियो बर्बाद हो जानी है, मोबाइल का टच नहीं काम करता तो मैं ऐसे चला रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत दर्द होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से इन्हें प्रॉब्लम है भाई। पहली रिपोर्ट मेरी घर पर रह गई है, मैं अभी सऊदीया में हूँ, करीब 6-7 महीने पहले कराई थी, 1 ग्रेड थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर 2 दिन पहले दर्द था, मैं हॉस्पिटल गया और अल्ट्रासाउंड करवाया तो अभी दूसरी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, 2 दिन पहले पेन हुआ तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो ये कहते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई है, बाकी इनकी ब्रेकोसील जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन जो उन्हें हो रही है, जो इन्हें पेन हो रहा है, वो इनकी अपनी मिस्टेक है, उसमें आप समझ सकते हो सिचुएशन। चलो इनके वॉइस मेल प्ले करते हैं, सुनते हैं। वेरिकोसील तो ठीक हो गई, कल जब ये रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने दवाई तो नहीं दी, वो कह रहा था इसके कोई दवाई नहीं है और दर्द है, 2-3 दिन पहले दर्द हुआ था, मैं इसलिए गया था हॉस्पिटल। देखो भाई बात ऐसी है ना कि जो आपको पेन हो रहा है वो प्रॉब्लम सिस्ट क्रिएट कर रही है, वो प्रॉब्लम आपकी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रही है, इन चीज़ों को नहीं ठीक करोगे ना तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वेरिकोसील आपको दोबारा से हो जानी है, ठीक है। जो वेरिकोसील सही हो जाती है ना, उसी सिचुएशन में रह के आप मिस्टेक्स फिर से वही चलने लग जाती है रूटीन आपकी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वेरिकोसील दोबारा नहीं होती, पर बहुत कम चांसेस होते हैं वेरिकोसील दोबारा होने के। ये अपने माइंड में मतलब टेंशन नहीं लेके आना, मैंने वैसे आपको वार्न कर दिया, ठीक है, बता दिया, एहतियात ज़रूरी है, वो कहते हैं ना परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है, ठीक है, तो आप परहेज़ करोगे
तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं भाई, क्या इसके लिए भी वही सेम डाइट फॉलो करनी पड़ेगी या फिर जो है कोई और दूसरा तरीका है, प्लीज जरूर बताया भाई। और जो पहली रिपोर्ट थी वो तो घर रह गई थी, मैं देखता हूँ अगर वो मिल गई तो मैं इंशाल्लाह वो भी भेज दूंगा आपको। जब फर्स्ट टाइम मुझे 1.5 साल पहले दर्द हुआ तो मैं यहाँ था, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने चेक किया, उसने बोला भाई वेरिकोसील है और जो है आपका ऑपरेशन करना जरूरी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑपरेशन कराया था किडनी का, मुझे जो है स्टोन थी किडनी में, करीब वेरिकोसील होने से 3-4 महीने पहले, मैं समझा कि उसी की वजह से शायद ये दर्द बन रहा है। तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो उसमें वेरिकोसील आ गई, फिर जब डॉक्टर ने बोला बड़ा दुख हुआ और मैं बड़ा परेशान था, फिर मैं घर चला गया। कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मैंने होम्योपैथिक की दवाई खाई, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और आपकी वीडियो वगैरह देखी। ये भाई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, तो इस वजह से कहता हूँ यार, यूज़ करते हो वो आपका अपना है, लेकिन नहीं यूज़ करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी बात ये कि जो इन्होंने बात की अल्ट्रासाउंड की, कई लोग पागल होते हैं यार, बार बार अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, तो मुझसे भी लोग कहते हैं यार तुमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तुम कहते हो तुम्हारी इतनी वेंस नज़र आती तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड का है। यार मैं पागल नहीं हूँ, मैं बार बार जाके अल्ट्रासाउंड करवाऊँ, ठीक है। तो कई लोग होते हैं करवाते हैं, कई नहीं करवाते, ठीक है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसने नहीं करवाया, मुझे पता है सिचुएशन प्रॉब्लम है मेरे साथ, अगर बढ़ रही है तो अल्ट्रासाउंड करवाने से कम हो जाएगी, नहीं कम होगी ना, प्रॉब्लम परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर के पास जाऊँगा वो 2-3 बातें और कर देगा, तुम्हारी लाइफ ख़त्म, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं, ठीक है, तो आपको परेशान कर देंगे, तो परेशानी होगी, ठीक है, टेंशन बढ़ती है ना। एक बार कुछ कम परेशानी है जो ऊपर से मैं डॉक्टर की बातें लेके आऊँ उससे भी टेंशन लूँ, तो उससे मैं अल्ट्रासाउंड ना करवाऊँ वो ज़्यादा बेहतर है। पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, आपको तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है ताकि प्रॉब्लम का पता तो लगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। मैं सोचा कि जब बिलाल भाई ठीक हो सकते हैं तो शायद इंशाल्लाह मैं भी ठीक होऊंगा। मैं तब से लगातार आपकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ खाना छोड़ दिया था और तेल वगैरह भी, तो खाना बनाना नहीं आता था मुझसे, खुद बनाना शुरू किया। पहले तो मैं होटल से ही खाता था, तो फिर जो है खुद बनाना धीरे धीरे शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज करीब फिर मैं घर गया, फिर घर से वापस आ गए जो है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह भी फिर डाइट तो वही चल रही है, दर्द नहीं था। अभी 10-15 दिन पहले एक मरतबा हल्का सा दर्द हुआ था, तो मैं सोचा शायद हो गया होगा, अभी ठीक नहीं हुआ। फिर अभी दूसरी मरतबा अभी हुआ 3-4 दिन पहले, तो अभी ये ज़्यादा दर्द था, रात में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, फिर लेटने के बाद आराम मिलता है कमर में नीचे हिस्से में जो है हिप के ऊपर, तो वहाँ पर दर्द होता है। अच्छा, मैं साथ साथ बर्फ़ी खा रहा हूँ तो इस वजह से। अच्छा, इन भाई ने जो बात की है यहाँ पे, मैं साथ वॉइस मेल इस वजह से रोक रहा हूँ, आप भी डिस्टर्ब होते हो गए कि भाई की बात नहीं सुनने दे रहा, क्योंकि फिर मुझसे बात भूल जाती है और मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, फिर आपके क्वेश्चन नहीं ख़त्म होते। तो मैं कोशिश करता हूँ जो वीडियो बनती है उसमें पिछले और अगले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे सॉल्व हो जाएँ, ठीक है, पूरे हो जाएँ, उसके आंसर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे भाई ने बात की है कि मुझे नाइट फॉल हुआ है, ठीक है, जिसके बाद मेरा पेन ख़त्म हो गया, तो यही जो मिथ है ना लोगों को मार देती है, ठीक है, कि हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारा पेन ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ कि ये सिस्टम है क्या, क्यों पेन ख़त्म, क्यों जो है ना पेन ख़त्म हो जाता है। देखो वेरिकोसील, आपको सख्त पेन हो रहा है, ठीक है, आपने मास्टरबेशन की, पेन आपका ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि जो स्पर्म बन रहा होता है, वेन्स आपकी सेंसिटिव होती हैं, डैमेज होती हैं,
दोबारा से आप डाइट फॉलो करते हो, चीज़ें करते हो, वेंस आपकी दोबारा से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। जब वो रिपेयर करती है, लाजमी सी बात है कोई चीज़ रिपेयरिंग में हो तो उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहती ना, वो तो पहले से हालत से भी ख़राब होती है, ठीक है। तो सेंसिटिव तो रहती है, नाजुक तो रहती है ना, ठीक है। यही सिचुएशन होती है जब स्पर्म बनता है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेंस में आता है, ठीक है, प्रेशर से, ठीक है, जो कुछ भी है उसका प्रोसेस मुझे इतनी डिटेल्स में नहीं पता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने इसके बारे में स्टडी की हुई है। तो ये चीज़ होती है जब वो स्पर्म होता है, ठीक है, तो वो जब वेंस में होता है तो उसकी वजह से आपको पेन होता है। जब वो निकल जाता है, वेंस रिलैक्स हो जाती है, आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, आप समझते हो यार कौन सा करिश्मा हो गया, मेरा दर्द ख़त्म हो गया। और उस दर्द के चक्कर में, दर्द को भगाने के चक्कर में आप दिन रात जो है मास्टरबेशन के ऊपर आपने रखी होती है, पर आपको पता नहीं है कि वो आपकी हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट कर रही है। बाल आपके गिरेंगे जब सोगे, शावर लोगे, ठीक है, हज़ार हज़ार बाल जो हैं आपके हाथों में होंगे, ठीक है, गंजे हो जाओगे, तो हेयर स्टाइल नहीं कर सकोगे, ठीक है, सारी प्रॉब्लम बनती है मास्टरबेशन की वजह से। तो ये चीज़ बता दूँ कि अगर पेन होता है, ठीक है, नाइट फॉल आपको नहीं होता, पेन होता है तो उसमें आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर रेस्ट करने पे पेन होता है तो आपको वॉक करनी चाहिए। अब दो सिचुएशन है ना, एक बंदे को रेस्ट करने पे पेन होता है, एक बंदे को वॉक करने पे पेन होता है। जिसको जिसमें पेन हो रहा है वो काम मत करो। ये भाई कह रहे हैं कि वॉक करने पे पेन होता है तो वॉक कर मत करो, लेटने पे पेन हो रहा है तो कोशिश करो लेटो मत, थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉक करो। आगे करते हैं। चलने से परेशानी होती है लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और देखा है कि एहतलाम हुआ फिर मुझे रात में, तो एहतलाम होने के बाद जो है सुबह में जब मैं एहतलाम हुआ तो फिर मुझे तकरीबन 5 बजे के करीब जैसे ही एहतलाम हुआ मेरे आंखें खुल गई और फिर उसके बाद जो है दर्द नहीं हुआ पूरे दिन, चला भी फिरा भी दर्द नहीं हुआ। तो ये भी मालूम नहीं कि क्या मसला है, तो प्लीज भाई अगर कुछ है तो बताए, गाइड करें। आपसे बहुत हिम्मत मिली थी, अल्लाह आपको जजाए खैर दे और आपको खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सबको खुश रखे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, ठीक है, अल्लाह उनको भी खुशियाँ दे ढेर सारी, और अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी वेरेकुसील, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, बस अल्लाह पे यकीन रखो यार, ठीक है। तो बाकी अपनी दुआ में जब करता था ना, जब मुझे प्रॉब्लम थी तो मैं अपने लिए दुआ ज़रूर मांगता था, पर अपने से ज़्यादा लोगों के लिए मांगता था। मैंने कहा यार अल्लाह अगर मुझे नहीं ठीक करना ना कर, लोगों को कम से कम इस परेशानी से दूर रख, ये बड़ी अजीब सी बीमारी है। तो मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था यार इस किस्म की बीमारी भी एग्जिस्ट करती है लाइफ में। कितनी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है, और लोग कितनी परेशानियों में गिरफ्तार है। हर बंदे को अपनी टेंशन है, मेरी वेरेकुसील ठीक होगी, मेरी ये जॉब की टेंशन है, अगले फ्यूचर की टेंशन है, और 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा यार वेरेकुसील बहुत नॉर्मल है, ठीक है, पर उसे आप नॉर्मल नहीं लोगे। मतलब नॉर्मल लेने से ये मतलब है कि बस आप कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, मास्टरबेशन भी कर रहे हो, बस एक लाइफ आप गुजार रहे हो, इस तरह नहीं करना। थोड़ा सा परहेज़ करनी है, थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल करना है। अगर आपको एक साल हो गया ना, एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आप नॉर्मल डाइट पे आ जाओ आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आते हो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी वेरिकोसिल पूरी ठीक हो जाता, वो वेरिकोसिल ठीक नहीं हुई, आप नॉर्मल डाइट पे आओ, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आपकी बॉडी बॉडी जो है वो अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है, उसमें कोई डस्ट, कोई गंदगी, ब्लड आपका एकदम प्योर साफ़ हो चुका है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब जब आप नॉर्मल डाइट पे आओगे तो आप ध्यान करो कि यार क्या चीज़ खाने पे, एक चीज़ आपने हफ्ता खाई, महीना खाई, 2-3 महीने गुजर गए, आपको वो चीज़ नुकसान नहीं दे रही, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, वो चीज़ आपको आगे भी नुकसान नहीं देगी, क्योंकि अगर देना होता तो इतने टाइम में दे चुकी होती, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी रूटीन चेंज करो और नॉर्मल रूटीन में आप आ सकते हो। वेरेकुसील है, हाइड्रोसील सिस्ट है तो हैं, इनको साथ ले के चलो, टेंशन ना लो, अपनी स्टडी करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपना कोई फ्यूचर बनाओ, ठीक है। हर वक्त दिन रात गूगल पे ये सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, दोस्तों से बात करना, ग्रुप में टाइम ज़ाया करना, ठीक है, इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। मैं एक भाई के तौर पर मशवरा दूँगा, ये बिल्कुल फजूल चीज़ें, ठीक है, मत सर्च करो इस तरह की चीज़ें।
मैं तो ये भी कहूँगा मेरी वीडियोस भी मत देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो वीडियोस देखो, ये चीज़ मैं नहीं कहता, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने टाइम की कदर करो, ठीक है। ये टाइम फिर आने वाला नहीं है, तो जो भाई जितना कर सकता है, जितना वो स्टडी कर सकता है, जितना काम कर सकता है उतना करे। पर क्या उसके लिए अच्छा है? अच्छा है तब करे, बुरा है तो उसे छोड़ दे, कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। अभी आप यार ये भी सोचो ना, मेरी तरफ मेरा भी तो सोचो, मैंने 6 मंथ्स जो है यूनिवर्सिटी मैंने नहीं गया। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हो, स्कैन्स इस्लामाबाद में, ठीक है, एफएट मरकज़ में, तो वहाँ पे जाके आप किसी से भी पूछ सकते हो कि बिलाल 6 मंथ तक आया था कि नहीं। और वहाँ पे ये लड़के मेरे, कुछ लड़कों को पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, कुछ लड़कों को पता लगा था, तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे, काफ़ी चीज़ें थी यार। तो ये कहूँगा कि आप डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, और इन भाई की जो कमर में दर्द होता है उसकी दो सिचुएशन हो सकती है, एक वीकनेस, दूसरी गैस। गैस की प्रॉब्लम होती है तब पेन होता है, वीकनेस होती है तब पेन होता है, और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अपना पोस्चर आप सही नहीं रखते, सारा दिन बैठे रहते हो, आगे झुक के बैठे होते हो, ठीक है, या बिल्कुल पीछे लेट जाते हो, जो कमर और चेयर के दरमियान जो गैप आ जाता है वो गैप नहीं आना चाहिए। बीच में गद्दी रख लो, कुछ फोम रख लो, कुछ तकिया सिराना कुछ लगा लो, बीच में सपोर्ट कमर को मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। लेग्स क्लोज करके मत बैठो, ठीक है, सपोर्टर ज़्यादा टाइट मत पहनो, जितना भी पेन हो रहा है टाइट मत पहनो, पेन है तो रेस्ट करना है, पेन है तो रेस्ट करना है, रेस्ट के अलावा पेन का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यार, फिर बातें लंबी होती हैं। तो इन भाई से मैं इतना कहूँगा कि सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो सिस्ट है तो सिस्ट को ज़्यादा ठंडा मत करो, ज़्यादा ठंडा पानी मत डालो, कोशिश करो कि नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिल सकता तो टेंशन ना लो, उसी से काम चला दो। अगर इतना ठंडा पानी यूज़ कर रहे हो कि डालने पे आपकी वेंस में टिक टिक की आवाज़ें आती हैं तो आपको नुकसान दे रही है, ठीक है, इतना ठंडा नहीं यूज़ करना। आप इंटरनेट पे मुझे कितने लोगों ने वीडियोस भेजी हैं यार, अब तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है इंटरनेट पे, ठीक है, वेरिकोसील के टॉपिक पे, और लोग 10 में से 6-7 वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें लोग यही कहते हैं कि ऑयल गर्म करके उसकी सिकाई करो, उसकी ठकोर करो, मसाज करो, ये इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, ठीक है, ये चीज़ें कुछ भी नुकसान ज़रूर देंगी, फ़ायदा नहीं देने वाली। तो यार वीडियो लंबी होती है यार, मैं बस यही दुआ करूँगा कि आप लोग सब ठीक हो जाओ, और इन भाई से भी कहूँगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, जिस तरह आप रूटीन गुजार रहे हो, कॉन्स्टिप्रेशन ना होने दो यार, गार्लिक का इस्तेमाल करो, लेमन पानी अगर आपको वीक कर रहा है तो मत यूज़ करो लेमन पानी, गार्लिक कम से कम इस्तेमाल करो, काली मिर्च का इस्तेमाल करो, कम से कम खाना जो है चूरी बना के खाओ, पानी प्रॉपर पियो ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, अगर स्टूल नहीं भी आता तब भी वाशरूम जाओ, कुछ टाइम के लिए वहाँ स्पेंड करो, वहाँ बैठो, वाशरूम जब आप बैठते हो, ठीक है, कम से कम वहाँ पे अच्छे ख्याल सोचो, वहाँ पे अगर टेंशन सोचोगे, वहाँ पे वेरिकोसील के बारे में सोचोगे कि वेरिकोसील ये वो, टेंशन लोगे वाशरूम में, स्टूल कभी भी नहीं आएगा, होगा आपकी इंटेस्टाइन में, निकलेगा नहीं, जब तक खुशी नहीं होगी ना, कोई अच्छी बात नहीं सोचोगे, खुशी वाली चीज़ जो फुल एक्साइटमेंट हो, मतलब ऐसी एक्साइटमेंट हो कि एक फीलिंग्स आती है ना बंदे को, वो जोश सा आता है, ठीक है, जैसे बचपन में ईद की खुशी होती कि ईद फेस्टिवल आ रहा है, वो सुबह ईद होगी, ईद ही मिलेगी, पैसे मिलेंगे, कज़न के घर जाएंगे, ठीक है, वो खुशी, इस तरह की कुछ अलग सी खुशी, ठीक है, समझ सकते हो ना, तो वो खुशी होनी चाहिए, तभी जो है आपको जो है वो स्टूल आएगा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लॉक होगी यार। अच्छा तो यार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।